में जो लास्ट जो पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, स्लाइड डेक वहीं से स्टार्ट किया जहां पर हमने स्टॉप की थी। तो इस जो लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन के हिसाब से जो लास्ट पार्ट था इसका मैंने थोड़ा सा नाउ हाउ दी थी कि जो ये जो चौथा पार्ट है इस पार्ट को मैं स्किप उस बेस पर कर रहा हूँ, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, कौन कौन से चैप्टर की इम्पोर्टेंस है और कौन से चैप्टर को मैंने एंड पर रखना है। एक पहले में स्टार्ट में आपको बताया थर्ड चैप्टर, और इसमें जो ये जो चौथा पार्ट है उसमें पहले के दो चैप्टर और ये लास्ट में जितने भी चैप्टर इसमें आते हैं, चैप्टर आपके पास 28 से 41 तक जो चैप्टर आते हैं वो चैप्टर जो है मैं सिर्फ, अगर हमारे पास टाइम बचा इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि सारा कवर कराऊं। इसका पार्ट की कंप्यूटर के हवाले, आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से इसका इंपॉर्टेंस जो स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट में कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में कर बताया था कि जो इसकी स्पेशलाइजेशन में जो सब्जेक्ट बुक तो पूरी पूरी होती है, जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्राइटेरिया चल रहा होता है हम उसको टैकल कर रहे होते हैं, तो उसमें किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दी फर्स्ट टू चैप्टर। उसके बाद हमने जो सेकेंड पढ़ा था, हमने जो सेकेंड स्टडी किया था जिसमें आपके पास था डाटा के ट्रांसमिशन के बारे में, आपको सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में बताया था डाटा ट्रांसमिशन, उसके बारे में मैं सारा रिव्यू कराऊंगा। आपके ऑब्जेक्टिव भी ऐड है तो उससे रिलेटेड आपको आ सकता है। और जो पैकेट ट्रांसमिशन जो इससे पिछला था, पैकेट ट्रांसमिशन, एक मिनट में बैक करके दिखा दूंगा, पैकेट ट्रांसमिशन और ये इंटरनेट नेटवर्किंग, ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के वाले से। लास्ट वाला पार्ट जो था वो आपका नेटवर्क एप्लीकेशन, जो कि इसमें टाइमलाइन इम्पोर्टेंस है, इनकी सिर्फ टाइमलाइन इम्पोर्टेंस है, और उस टाइमलाइन इम्पोर्टेंस जो है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो बाकी डिटेल का पॉइंट ऑफ व्यू है टाइम का तो इंशाल्लाह वो भी मेंशन करूंगा। हाँ और इसके साथ आपके इसमें जो हमारे पास पार्ट फोर है, पार्ट फोर में जो हमने स्टडी करने हैं क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन कैसे होती है। अगर आपको अंदाजा हो कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर आप एक से क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ कनेक्ट होता है उसको क्लाइंट टू क्लाइंट इंटरेक्शन कहते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई जॉब होल्डर्स भी बैठे हैं, अगर उनको सर्वर का कोई कंसेप्ट है, वो सर्वर का कंसेप्ट ये होता है कि क्लाइंट टू सर्वर इंटरेक्शन का बारे में बता रहा हूँ मैं। अब ये मैं यहाँ पर भी आपको जो टाइमलाइन इसके आपके माइंड में सेट कर रहा हूँ कि नेटवर्क एप्लीकेशन में हमने बेसिकली स्टडी करना क्या है। एक होता है क्लाइंट टू क्लाइंट, उसमें जो आप डाटा सेव करते हैं अपने अपने लैपटॉप में सेव हो जाते हैं, आपके सिस्टम में सेव हो जाते हैं, आपके कहीं और प्लेटफॉर्म है वहां पर सेव हो जाते हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अगर 10 कंप्यूटर है और 10 कंप्यूटर को मैंने आपस में कनेक्ट किया हुआ है और हर अपना थोड़ा थोड़ा जो काम जो साइन किया जाता है वो अपना सेव करता जा रहा है कंप्यूटर में, अब वो एट द एंड मंथ की एंड पर अगर वो आपका जो मैनेजर है या आपके ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर वो आपको कहता है कि मुझे सारा डाटा इकट्ठा करके दें और तरतीब लगा के दें, अब वो सारा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, किसी का हो सकता है कि किसी के लैपटॉप में मसला आ जाए, उसकी जो सेविंग है सारी खराब हो जाए, तो ये मसले से आपको हटने के लिए, ये इस मसले से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए एक जो होता है सर्वर का आप सहूलत लेते हैं। सर्वर में क्या होता है कि आप आपके पास लैपटॉप होता है, अभी क्लाइंट है आपके पास हजारों क्लाइंट है, एक सर्वर रखा हुआ है उसमें उसका स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है, वो आप डिपेंड करते हैं उसकी स्टोरेज कितनी रखनी है, वो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ी होगी, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है और उसके माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ये उससे ही रिलेटेड है। उसमें दो जो आपके क्लासिफिकेशन है वो आपकी सर्वर से रिलेट करती हैं, जिसमें कैपेसिटी के हिसाब से स्टोरेज के हिसाब से आप उसको रखा जाता है। अच्छा, क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन में सर्वर में सिर्फ डाटा स्टोरेज के लिए रखा जाता है कि आपका डाटा टिल एंड तक जब जरूरत पड़े उसमें सेव रहे, लॉस होने के चांसेस वहां से भी हैं लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि आप जो हम जो लैपटॉप पर या हम सिस्टम पर जो काम करते हैं हम एक से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन सर्वर पर हम जो काम करने के बाद सर्वर पर हम उस पर सेव करवा देते हैं तो वहां पर तो दूसरे काम नहीं हो रहे होते ना, वहां पर तो सिर्फ स्टोरेज करवा रहे होते हैं, तो किसी आईपी के जरिए हम वहां पर स्टोरेज जरूर कर लेते हैं, मैं ये काम जरूर कर लेते हैं। तो ये क्लाइंट और सर्वर का इंटरेक्शन जो है वो इस बेस पर है। उम्मीद करता हूँ कि इस दोनों का कम्बिनेशन आपको मालूम हो गया होगा कि क्लाइंट और सर्वर का इंटरेक्शन कैसे होता है हम जो काम करते हैं। हाँ, एक और बात, जो आप काम करते हो सर्वर पर जब आप लिंक करके वहां पर डेटा सेव करते हो वो आपके कंप्यूटर पर सेव नहीं होता, एक वहां पर ये सहूलत भी है कि आप वहां से डेटा जो है
डायरेक्टली वहां पर आप, अगर आपके पास कुछ सेशन मौजूद है तभी आप लॉगिन हो सकते हैं सर्वर के साथ, अदरवाइज आपके पास अगर वही पासवर्ड वगैरह, अगर कोई जो आपके फर्स्ट एंड जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड से एंट्रेंस जो पॉइंट होता है, अगर दरवाजा ही बंद कर दिया जाए तो आप एंट्री भी नहीं हो सकते, तो कोई एरा गेरा इसमें ऐड नहीं हो सकता, जिसको इजाजत है वही ऐड हो सकता है। ये है क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन। सॉकेट इंटरफेस के बारे में, आपको जो इंटरफेस आप यूज करते हैं नेटवर्किंग में, ये उससे रिलेटेड है सारा। जब इसकी स्टडी करेंगे तो उसके बारे में आपको बता दूंगा, कुछ एप्लीकेशन की एग्जांपल्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट में जो आपको स्टडी करनी है, जिसमें चैप्टर आपको मैंने बोले हैं 28 से 41 तक चैप्टर हैं, तो ये सारे इसी में है। हमने सिर्फ इसकी टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने सिर्फ उसी को फोकस रखना है। तो अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्टार्ट कर दिया, जब आप बेसिक डाटा कम्युनिकेशन को लेते हो, डाटा कम्युनिकेशन में जो आप मॉडल्स पढ़ते हो, जैसे जिसको OSI मॉडल भी कहते हैं और ISO मॉडल भी कहते हैं, एक ही नाम है, घबराने की जरूरत नहीं, आपने यही पढ़े हुए हैं, यही आपके पास जो आप मेंशन है, आपने इसी तरह इसकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, और दो मॉडल यही हैं, एक ISO मॉडल जिसको आप OSI मॉडल भी कहते हैं, और एक TCP मॉडल और IP मॉडल, ये हैं दो मॉडल्स। पहले मॉडल जो आपको, पहले जो आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है, ये है आपको OSI मॉडल, जिसको OSI मॉडल या ISO मॉडल, ये आपका ISO मॉडल है, जिसमें एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डेटा लिंक है और फिजिकल है। यहाँ से एप्लीकेशन से जब आप स्टार्ट करते हो, एप्लीकेशन से जब आप स्टार्ट करते हो, तो इसका मतलब है कि आप टाइप कर रहे हो कि आप सर्च करना क्या चाह रहे हैं। वहां से लेकर यहाँ तक फिजिकल पार्ट तक, फिजिकल पार्ट में जो आप सेशन में जो आप डेटा राइट करते हो, आप गूगल में राइट करते हो कि आप सर्च करना क्या चाह रहे हो, तो जब आपके पास रिजल्ट आ जाता है ना, वो रिजल्ट आपका फिजिकल है। आपके पास दूसरा TCP मॉडल है, TCP मॉडल, उसमें प्रेजेंटेशन और सेशन ये स्किप होती है इस, और ये TCP मॉडल मोर एक्यूरेट है, लेयर है, इसमें भी वही काम होता है जो ISO मॉडल में होता है। बस आप इसमें ये समझ लें कि इसमें सिर्फ दो लेयर्स ऐसी हैं जो कि स्किप होती हैं, और अगर उसको स्किप करने से, इस TCP और IP में अगर इन्होंने मॉडल में चेंजेस की हैं, उससे इन्होंने एक पॉइंट जरूर क्लियर किया है कि TCP मॉडल इज मोर एक्यूरेट देन ISO मॉडल, और आपकी सर्चिंग पॉइंट से लेकर आपके एड टिल रिजल्ट तक जो आप सर्च करना चाहते हैं, वो आपके TCP मॉडल में और ISO मॉडल में एज इट इज है। बस डिफरेंस यही है इसमें कि आपके दो लेयर्स, जो प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, स्किप है। नेक्स्ट में आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करने लगे, बेसिक आपका स्टार्ट यहाँ से चैप्टर नंबर 1 से। अब चैप्टर नंबर 1 में आपने, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, बेसिक क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर और नेटवर्क का आपस में कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, उसकी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर तमाम कंप्यूटर नेटवर्क के साथ ज्वाइन कर जाएं, अगर तमाम कंप्यूटर किसी एक नेटवर्क के साथ जुड़ जाएं, तो उसको नेटवर्क वर्क बोलते हैं। लेकिन अगर वो तमाम नेटवर्क आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाएं, तो उसको इंटरनेट वर्क बोलते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। अब इस क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क में जो पार्ट हमने स्टडी करना है, वो ये है, चार पॉइंट है। उस चार पॉइंट कौन कौन से हैं? बाय साइज के हिसाब से, बाय कनेक्टिविटी के हिसाब से, बाय कम्युनिकेशन मीडियम के हिसाब से, बाय मोबिलिटी के हिसाब से। वन बाय वन मैं इसको डिस्कस करता हूँ। क्या है कि आपका डिस्टेंस इसमें कवर होता है। अब मैंने इसके नीचे जो पार्ट लिखे हैं, लैन और वैन, हाफ से ज्यादा स्टूडेंट को लैन और वैन की बहुत समझ है। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क वर्सेस, इन दोनों में डिफरेंस। अगर मैं इसकी बात करूं लैन की, लैन इज मोर एक्यूरेट के हवाले से। अब कनेक्टिविटी के हवाले से, जो कंप्यूटर आपस में नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़ने हैं, वो दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, एक हो सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरे वर्सेस होती ब्रॉडकास्ट।
आप सबको अंदाजा है कि पॉइंट टू पॉइंट की डेफिनेशन में ये आता है कि जब कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाए, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, तो उसको पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। ब्रॉडकास्ट में आपके पास जो वर्सेस है वो ये है कि आपको इसके अलावा जो पॉइंट टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अलावा जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो ब्रॉडकास्ट कहलाती है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि हमने आपने लास्ट जो टॉपिक में डेटा कम्युनिकेशन में टोपोलॉजीज पढ़ी थी। अब उस टोपोलॉजीज में रिंग है, मैश है, स्टार है, हाइब्रिड है, पांच किस्म की टोपोलॉजीज जो आपने लास्ट सब्जेक्ट में रीड आउट किया होगा, वो टोपोलॉजी कौन सी पॉइंट टू पॉइंट है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैंने दोनों का वर्सेस बता दिए हैं, अब मैं बताने लगा हूँ कि एग्जांपल में कौन कौन सी ऐसी टोपोलॉजीज हैं जो के पॉइंट टू पॉइंट हैं और कौन सी ऐसी टोपोलॉजीज हैं जो ब्रॉडकास्ट है। लिख लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी जो टोपोलॉजीज हैं इसमें आती हैं, वो आती हैं, एक है मैश टोपोलॉजी, सेकंड पर स्टार टोपोलॉजी, थर्ड वन इज ट्री टोपोलॉजी। ये तीन किस्म की जो टोपोलॉजी है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होती हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। आज यहां बात कर लें ब्रॉडकास्ट की। अब इस ब्रॉडकास्ट में आपके पास जो कनेक्टिविटी है इसमें कौन कौन सी कनेक्टिविटी टोपोलॉजीज आती हैं, कौन कौन सी कनेक्टिविटीज आती हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें आती है बस टोपोलॉजी। ब्रॉडकास्ट में जो कनेक्टिविटी आती है वो उसकी एग्जाम्पल है बस टोपोलॉजी, और इसके साथ है रिंग टोपोलॉजी, सेकेंड वन, थर्ड वन इज रेडियो, थर्ड वन इज जिससे सब वाकिफ है। अभी तक सब आप वाकिफ हो इन चीजों से, अभी तक जो मैं स्टडी करवा रहा हूँ लैन वैन पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट आप पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ इसका रिव्यू करवा रहा हूँ। कौन सा इस्तेमाल करना है जिसके जरिए आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब वो मीडियम कौन सा हो सकता है आपके पास, मैं लिखवाता हूँ, आप साथ साथ लिखते जाइए। एक है पहली कॉपर वायर, ये कनेक्टिविटी, ये कम्युनिकेशन मीडियम के लिए जो हम क्राइटेरिया यूज करते हैं वो है, पहला है कॉपर वायर, सेकंड है कोएक्सियल। ये मैं सिर्फ आपको कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन मीडियम है, ताकि आपको आपके माइंड में सेट बैठ जाए ये कि आपने ये क्या स्टडी करना है और किसके बारे में आपसे बात की जा रही है। कम्युनिकेशन मीडियम में पहला जो आपने नोट किया क्या किया, कॉपर वायर, सेकेंड है कोएक्सियल, थर्ड वन है फाइबर। ये तीन कम्युनिकेशन मीडियम, और भी मीडियम बहुत से हैं लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपके पास है लास्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी के वर्ड से पता लग रहा है कि आपके मूवमेंट वो या तो फिक्स्ड हो सकती है या मोबाइल हो सकती है, या तो वो कांस्टेंट हो सकती है या वो आपके मूवमेंट में हो सकती है। अब इस फेस में आपके फिक्स्ड की फेस में आपको जो यूज किया जाता है वो है वायरलेस क्राइटेरिया। फिक्स्ड के मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर देखा जाए कि कुछ ऐसी नेटवर्क की जो क्लासिफिकेशन है उसने, ये सिर्फ बात हो रही है नेटवर्क की, आप इस नेटवर्क के जो पॉइंट जो आपके दायराकार है नेटवर्क से बाहर ना निकलिएगा, ये जो पॉइंट है इसको सबको आप नेटवर्क के साथ जोड़कर समझने की कोशिश करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मोबिलिटी नेटवर्क के हवाले से है, कुछ फिक्स भी होती हैं कुछ मोबाइल भी होती हैं।